अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी उर्दू की किताब क्लास के प्रेप के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में पेज नंबर 7 पर हरूफ पे की रीडिंग और राइटिंग की थी, और आज की क्लास में हम पेज नंबर 8 पर हरूफ ते की रीडिंग करेंगे, यानी कि इस हरूफ से बनने वाली इन तस्वीरों के नाम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ते की रीडिंग राइटिंग करेंगे और आधी शक्ल की भी राइटिंग करेंगे, और उससे बनने वाले इन लफ्ज़ों को भी लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारा हरूफ क्या है? ते, ये ते की पूरी शक्ल है, ये ते की आधी शक्ल है, और ये ते की वो शक्ल है जिसको हम किसी दूसरे हरूफ से मिलाएंगे, यानी कि अलिफ के साथ मिलेगा ये। तो हम इस हरूफ की रीडिंग शुरू करते हैं। ते, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से ताला, ते से तीर, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से ताला, ते से तीर, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से ताला, ते से तीर, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से ताला, ते से तीर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप ते हरूफ की रीडिंग को और उससे बनने वाली इन तस्वीरों के नाम को अच्छे तरीके से याद करें। और अब हम ते की जो पूरी शक्ल है हम उसकी राइटिंग करेंगे। ये हमें दो डॉट लगे हुए दिए गए हैं जिससे हमने जो राइटिंग करेंगे ये इसके सेंटर को इससे मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से हम ये लिखना शुरू करेंगे और इस पेंसिल को इसके ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। अब ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो, हम दो नुक्ते लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम इन दो डॉट से थोड़ा आगे करके पेंसिल को स्टार्ट करेंगे, दो डॉट्स के ऊपर पेंसिल को मूव करेंगे और फिर ऊपर लगाएंगे दो नुक्ते ते के इस तरीके से। ये हमारी ते की पूरे हरूफ की राइटिंग हो गई, और अब हम आधी शक्ल की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हमें एक ब्लॉक में ब्लैंक दिया हुआ है और एक में हमें डॉट लगाए हुए हैं, तो जो ब्लैंक है उसको हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ते की आधी शक्ल इस तरीके से, और फिर दूसरा जो ये हमें डॉट दिए हुए हैं इससे थोड़ा आगे करके हम पेंसिल को मूव करेंगे और इन डॉट्स तक इसको पूरा लिखेंगे। इस तरीके से। और अब हम आते हैं इनकी हरूफ को अल्फाज की सूरत में लिखने और इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें ते दिया गया है, ते को हमें किसके साथ मिलाना है? अलिफ के साथ। ते अलिफ ज़बर ता, और यहाँ हमें मिलाकर लफ्ज़ दिया गया है ते अलिफ ज़बर ता। लफ्ज़ क्या बना हमारा? ता। ते की आधी शक्ल लिखेंगे, उसको हम किसके साथ मिलाएंगे? अलिफ के साथ। ते अलिफ ज़बर ता, ते की आधी शक्ल, और उसको हम अलिफ के साथ मिला देंगे। ये बन लफ्ज़ क्या बनेगा? ता। ते अलिफ ज़बर ता। दूसरा लफ्ज़ भी हमारा ते से शुरू हो रहा है, इसको किससे मिलाएंगे? लाम के साथ। ते लाम ज़बर तिल, ते लाम ज़बर तिल, ते को लाम के साथ मिलाएंगे। ते लाम ज़बर तिल, ते की आधी शक्ल, इसको किसके साथ मिलाएंगे? लाम के साथ।
तरीके से, ते लाम जबर तिल, ते की आधी शक्ल और उसको वहीं से लाम के साथ मिलाएंगे इस तरीके से। पहला लफ्ज़ हमारा था ते अली जबर ता, दूसरा लफ्ज़ हमारा ते लाम जर तिल, उसके बाद है ते वाव जबर तो रे साकिन तो, ते को वाव के साथ मिलाएंगे। रे साकिन तो, अब यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ते की आधी शक्ल, इसको क्या करेंगे हम वाव के साथ मिलाएंगे इस तरीके से और रे लगा देंगे। ते वाव जबर तो रे साकिन तो, फिर हम ते की आधी शक्ल लिखेंगे, उसके साथ वाव को मिलाएंगे और रे साकिन, ते वाव जबर तो रे साकिन तो, फिर ते की आधी शक्ल उसके साथ वाव को मिलाएंगे और रे लगा देंगे। क्या बन गया लफ्ज़, ते वाव जबर तो रे साकिन तो, ता तिल तोड़, उसके बाद है ते अलिफ जबर ता लाम अलिफ जबर ला ताला, ताला को हम लफ्ज़ की सूरत में लिखेंगे, ते अलिफ जबर ता लाम अलिफ जबर ला ताला। अब यहाँ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, पहले ते की आधी शक्ल लिखेंगे, ते को किसके साथ मिलाएंगे अलिफ के साथ, ते अलिफ जबर ता, उसके बाद क्या है लाम, लाम की आधी शक्ल लिखेंगे और उसके साथ क्या मिलाएंगे अलिफ को, लाम अलिफ जबर ला ताला, फिर ते की आधी शक्ल, ते को किसके साथ मिलाएंगे अलिफ के साथ, ते अलिफ जबर ता, उसके बाद लाम की आधी शक्ल, उसके साथ अलिफ मिलाएंगे लाम अलिफ जबर ला ताला, ते अलिफ जबर ता लाम अलिफ जबर ला ताला। इस तरीके से ये हमारे हरूफ की जोड़ हो गई, ते अलिफ जबर ता ते लाम जबर तिल ते वाव जबर तो रे साकिन तोड़ ते अलिफ जबर ता लाम अलिफ जबर ला ताला ता तिल तोड़ ताला। ये चार लफ्ज़ हमारे बन गए। तो आप स्टूडेंट इस पेज की राइटिंग करें हुरूफ ते की, इससे बनने वाली इन तस्वीरों के नाम को अच्छे तरीके से रीड करें, फिर इनकी प्रैक्टिस करें लिखने की, ते को आधी शक्ल को पूरी शक्ल को और उससे बनने वाले इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।